दीक्षांत समारोह के अवसर पर महामहिम आनंदीबेन पटेल ने आज छात्र संघ बहाली को लेकर जो छात्र धरने पर बैठे हैं उनको धरना नहीं देना चाहिए, उन्हें बाल विवाह जैसे मुद्दों पर रैली निकालनी चाहिए। ये साफ साफ दर्शाता है कि छात्र अपना धर्म छोड़कर, जो कि छात्रों का अधिकार है, उसकी लड़ाई छोड़कर वो सिर्फ समाज के लिए लड़ रहे हैं। दीक्षांत समारोह के अवसर पर महामहिम आनंदीबेन पटेल ने आज छात्र संघ बहाली को लेकर जो छात्र धरने पर बैठे हैं उनको धरना नहीं देना चाहिए और उन्हें बाल विवाह जैसे मुद्दों पर रैली निकालनी चाहिए। ये साफ साफ दर्शाता है कि छात्र अपना धर्म छोड़कर, जो कि छात्रों का अधिकार है, उसकी लड़ाई छोड़कर वो सिर्फ समाज के लिए लड़े हैं। छात्र संघ बहाली मोर्चा के नेतृत्वकर्ता विद्यावासिनी शुक्ला ने बताया कि छात्र संघ बहाली के लिए जो धरना 20 दिन चला वो विश्वविद्यालय के हर उस छात्र की लड़ाई थी जो किसी न किसी रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन से प्रताड़ित हो रहे थे। चाहे फिर वो परीक्षा परिणाम हो, चाहे भर्ती फीस, चाहे अवैध वसूली हो, अन्य कोई परेशानी, सभी छात्रों को झेलनी पड़ती है। दीक्षांत समारोह में महामहिम के द्वारा दिए गए बयान साफ साफ दर्शाता है कि उनको छात्रों की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं विद्यावासिनी शुक्ला, लखनऊ विश्वविद्यालय का MA प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। अभी 16 अक्टूबर को हम लोग छात्र संघ बहाली के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो 17 सालों से छात्र संघ चुनाव बंद पड़ा है उसको पुनः विश्वविद्यालय में बहाल कराया जाए, जिसके तहत हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया और उसके बाद 4 दिन की भूख हड़ताल की। पूरा आंदोलन 20 दिनों का था। उसी के संबंध में आज दीक्षांत समारोह के अवसर पर माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने जो बात कही उससे हम सभी छात्रों की भावनाएं आहत हुई, क्योंकि छात्र संघ कोई छोटी मोटी बात नहीं। हम सभी उन 20,000 छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो आज अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं, चाहे फिर वो बढ़ती फीस हो, अवैध वसूली हो, परीक्षा परिणाम में देरी एवं गड़बड़ी हो, कोई सुनवाई नहीं होती। उसके तहत छात्र संघ अगर होगा तो हम सभी लोग लड़ाई लड़ पाएंगे। महामहिम जी से निवेदन है कि कृपया करके दोनों पक्षों को सुने। जिन छात्रों ने उन्हें ये बताया है ये छात्र पढ़ते नहीं है, हम वही छात्र हैं जो अपने अपने क्लास में टॉप भी मारते हैं, पढ़ते भी हैं और साथ में छात्रहितों की लड़ाई भी लड़ते हैं। धन्यवाद। छात्र संघ जिंदाबाद। कभी कभी ऐसे विचार आते हैं कि बोलूं कि ना बोलूं, लेकिन 15 दिन पहले कई स्टूडेंट्स राजभवन आए थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के। तब मैंने वे इन स्टूडेंट्स को कहा, क्योंकि उसी समय कुछ स्ट्राइक चल रही थी लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो मैंने स्वाभाविक वे स्टूडेंट्स को पूछा कि आप स्ट्राइक क्यों कर रहे हो, जब यूनिवर्सिटी इतना अच्छा काम आपके लिए कर रही है, छोटे छोटे बातों के लिए बैठ जाना ये क्यों होता है। तब विद्यार्थियों ने मुझे ये जवाब दिया कि जिसको पढ़ना नहीं है वो स्ट्राइक करते हैं, हमें तो पढ़ना है तो हमें कभी स्ट्राइक पर जाते ही नहीं है। तो मैंने कहा कि जिसको पढ़ना नहीं वो स्ट्राइक पर क्यों बैठते हैं, मत आए यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं मैडम, उनको राजनेता बनना है, राजनेता बनना है। अभी मुझे विचार आया कि क्या स्ट्राइक करने से राजनेता बन सकते हैं आप लोग? क्या हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने कभी आपने देखा कि कहीं जा पर स्ट्राइक करके बैठ गए थे? हमारे जितने नेता आज सरकार में हो, सरकार में न हो, या तो अपनी अपनी उपलब्धियां जिसने भी प्राप्त की है, मैं नहीं मानती हूं कि वे लोग स्ट्राइक करके आगे बढ़े होंगे। यदि आपको नेता बनना है तो जो दहेज प्रथा के कारण जो हमारी बेटियां परेशान है, जला दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, उसके सामने आप स्ट्राइक करिए, रैलियां निकालिए, उसके सामने दहेज प्रथा बंद करो, इसके सामने मित्रों।
ये छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने आए, पढ़ाई तो होती नहीं है लेकिन 12-13 साल की उम्र में उसका विवाह हो जाता है। पढ़ाई का समय होता है, उसी समय उसका विवाह हो जाता है। क्या बाल विवाह रोकने के लिए आप रैलियां नहीं निकाल सकते हैं मित्रों? आगेवानी करिए, नेतृत्व करिए इसका। कई बुराइयां हैं समाज में, वो बुराइयों को दूर करने के लिए रैलियां निकालने की जरूरत है। सरकार को आवेदन पत्र देने की जरूरत है, इसमें हिस्सा लीजिए मित्रों, इसमें हिस्सा लीजिए। यदि आपको कहीं भी कोई गांव में बाल विवाह हो रहा है तो हिम्मत करिए वहां जाकर बाल विवाह बंद करवाने का। नेतृत्व आपो आप आपका आएगा मित्रों, लोग पहचानेंगे आपको कि उनको बुलाओ वो बंद करवाएगा। इसमें से नेतृत्व आता है। पॉजिटिव थिंकिंग नकारात्मक नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग करते रहो, कभी नकारात्मक विचार मत करो। यदि कोई कठिनाई है तो सब बैठे हैं भाई, इधर मिलते रहिए, चर्चा करते रहिए तो निकाल आएगा। कभी कभी हम जानते भी नहीं है कि यूनिवर्सिटी की परिस्थिति क्या है, तो कभी कभी आपकी मांग पूरी नहीं कर सकते हैं मित्रों। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो वातावरण बना हुआ है यूनिवर्सिटी का, इसमें कुछ दिक्कतें आ जाए। ये मेरी आप सबको राय है मित्रों, आप मत कीजिए यूनिवर्सिटी में ऐसा। आपको नेता बनना है तो कई ऐसी प्रवृत्तियां है, ये बच्चे आए जाइए वहां चिन्हट में, वहां के बच्चे हैं बैठिए उनके साथ, पढ़ाइए उसको, खिलाइए उसको, पब्लिक को जोड़िए इसको। ये भी नेतृत्व कर सकते हैं मित्रों, पहचानेंगे सब लोग आसपास के एरिया के लोग। ये दो मंत्र ये आए हैं हमारे जो काम कर रहे हैं वहां, तो नेतृत्व वैसे बनेगा मित्रों। जो जरूरत है दुनिया को, रिसर्च करिए अच्छी, नेतृत्व बनेगा। तो आपको आप लोग बुलाएंगे आपको कि अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, अच्छी उपलब्धियां हो रही है।